खबर ग्वालियर से, जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वायरल वीडियो में मंत्री एक बच्ची से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 22 जनवरी को आएंगे अपने घर भगवान राम, जहां पेरेंट्स से बोलकर 22 जनवरी को अपना घर सजाएं, ये भी सोचे कि हमारे दिल में भगवान राम रहते हैं और जहाँ भगवान राम रहते हैं तो भगवान राम जैसा आचरण भी होता है और उनके आचरण को भी अनुसरण करें, भगवान राम की तरह से अपने माता पिता की भी सेवा करें, अगर पढ़ाई में दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताएं। वायरल वीडियो रविवार को रानीपुरा स्थित एक कोचिंग सेंटर का बताया जा रहा है। मैं आपको नमस्ते बोला है, क्या बोलोगे? नमस्ते बोला है और ये कहना कि 22 तारीख को अपने घर को ऐसा सजाना है जैसे अयोध्या में भगवान राम रहते हैं ना, ऐसे ही घर में भगवान राम आएंगे उस दिन 22 तारीख को। पक्का बोलोगे आप सब लोग बोलोगे अपने अपने घरों में? और ऐसा सोचो ये सही है कि हमारे दिल में भगवान राम रहते हैं, जब भगवान राम रहते हैं तो हम भगवान राम जैसा आचरण करेंगे। क्या करेंगे? करेंगे ना, और हम आचरण भगवान राम जैसा करते हुए, भगवान राम ने जैसे अपने माँ बाप की सेवा की है, सेवा करते हुए अपने जीवन को अच्छे से जिएंगे। और आप लोगों को कोई पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी हो, तो मुझे जरूर बताना। मैं और अपने मम्मी पापा को नमस्ते बोलना, राम राम बोलना, प्रद्युम्न तोमर ऊर्जा मंत्री ने राम राम बोलिए आप सबको, ठीक है? भगवान राम आ रहे हैं, लोगों में स्व प्रेरणा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से और वो मुख्य यजमान हैं भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा लोकार्पण हो रहा है। ग्वालियर में अयोध्या की तरह, ग्वालियर के लोग अयोध्या की तरह सजा रहे हैं और अयोध्या की तरह से सजाने का और उसके अनुरूप काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मेरा तो ये कहना है कि जो जैसी व्यवस्था है उसके अनुरूप लोग बारी बारी से जाएंगे, एकदम अगर रस हो जाएगा तो अव्यवस्था हो जाएगी, जाए भगवान राम के दर्शन मिलेंगे सबको।